मन तरस रहा था कि जाने के लिए एकदम ये तो आए तो बहुत अच्छा लगा, सुकून मिला। अच्छा, आपने राम मंदिर भी देखा? हाँ, राम मंदिर। हाँ, गुप्तार घाट में आगे जब हम बढ़े तो हमें एक भव्य मंदिर नजर आया। हमें जानकारी मिली कि ये राजा दर्शन सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। अभिषेक भाई हमें बता रहे थे लगातार, अभिषेक भाई इस यात्रा में हमारे साथ हैं, अयोध्या की तमाम जानकारियां अभिषेक भाई हमसे साझा कर रहे हैं। तो अभिषेक भाई, ये मंदिर हम लोग देख रहे हैं काफ़ी पौराणिक है, भगवान शिव का मंदिर है, तो इसके बारे में बताइए कुछ। ये भगवान राम का ही मंदिर है। अच्छा, भगवान राम का ही मंदिर है। असल में क्या है कि 18वीं सेंचुरी में राजा दर्शन सिंह जो थे तो काफ़ी बड़े शिव भक्त हुआ करते थे। तो गुप्तार घाट पे, चूंकि एक मंदिर तो आपने गुप्तहरी का देखा, तो राम जी का गुप्तार घाट का जो गोप्रतार घाट का मंदिर है वो ये मंदिर है ना। तो अंदर चलेंगे, यहाँ पर राम जी, जानकी जी, लखन जी विराजमान हैं और बहुत भव्य है। अभी इसकी तो आप कारीगरी नक्काशियाँ देखिए, उसी तरीके से हिंदू परंपरा को दर्शाती हैं। बिल्कुल, जैसे और सारे बोर्ड भी लगे हुए हैं, जूता चप्पल यहीं पर उतारे, स्टार के बोर्ड लगे हुए हैं। यहाँ आप आते हैं तो आध्यात्मिक दर्शन आपको होते हैं यहाँ पर। अब अभी देखें ना, यहाँ पर जो मेरा बना हुआ है गर्भगृह का ऊपर का हिस्सा, और ये सब चीजें बहुत हिस्टोरिकल है। बिल्कुल, तो ये ऐतिहासिक मंदिर है, असली अयोध्या को दिखाता है। ये असली अयोध्या है, जो हमारी अयोध्या की कल्पना की जाती रही है अब तक वो ये है। ये नए निर्माण तो बहुत सारे हो जा रहे हैं, लेकिन इन्हीं को संरक्षित किया जाना है, क्योंकि सरकार लगातार कर भी रही है, क्योंकि अभी इसका जीर्णोद्धार का भी पैसा वगैरह आ गया है, इस पर भी काम शुरू हो रहा है। जब गुप्तार घाट आते हैं तो लोग इसी के दर्शन कर देते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर भीड़ भाड़ इसलिए थोड़ी सी कम है क्योंकि ये जगह जो है फैजाबाद में पड़ती है, और अयोध्या हो गया है। तो जो अयोध्या राम मंदिर है वहाँ से यहाँ की दूरी करीब 5 से 6 किलोमीटर की दूरी है, इसलिए थोड़ा सा यहाँ भीड़भाड़ नहीं है जो जिस तरीके से हम राम मंदिर के आसपास देख रहे हैं। देखिए, मुख्यमंत्री जी का एक जो और सपना है कि हम क्रूज चलाएंगे, है ना, तो वो राम की पैड़ी से लेकर गुप्तार घाट के लिए ही क्रूज सेवा शुरू की जा रही है। तो बाई रोड अगर आते हैं हम तो 15 किलोमीटर है, और अगर हम लोग क्रूज से नदी से होते हुए आते हैं तो 10 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं। तो क्रूज सेवा भी जल्दी ही शुरू होगी, क्योंकि पर्यटन का विस्तार हो रहा है, श्रद्धालु पर्यटक यहाँ रोज आ रहे हैं। अभी जब 22 जनवरी को देखिए प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी तो देश दुनिया से लोग अपने राम जी को देखने आएंगे। तो धीरे धीरे ये जगह भी जो है वो आम लोगों के लिए सुलभ हो जाएगी, क्योंकि क्या है, स्थानीय लोग जो लोग जानते हैं, जैसे मेरी फैमिली से कोई है तो वो यहाँ आया घूमने के लिए। भक्त हैं तो आप यहाँ के लोकल हैं? नहीं, हम लोग पटना बिहार से आए हैं। तो ये मंदिर के बारे में आपको किसने बताया? यहाँ तो और लोग बहुत कम लोग, हम लोग आए थे तब की साल भी आए थे, पहले भी आए थे। हाँ, तो आपको पहले से जानकारी? हाँ, पहले जानकारी थी, और आपकी योगी सरकार सब ये सब पूरा दे रहे हैं ना मोबाइल पे। अच्छा, इसलिए देख के हम लोग आए। यूपी सरकार का आपने ऐड देखा? हाँ, तो हम लोग आए, कितना थोड़ा मन तरस रहा था कि जाने के लिए एकदम, ये तो आए तो बहुत अच्छा लगा, सुकून मिला। आपने राम मंदिर भी देखा? हाँ, राम मंदिर। हाँ हाँ, जा रहे हैं अभी रामगढ़ी, यहाँ जाएंगे हनुमानगढ़ी जाएंगे और राम लला के दर्शन करेंगे। देखिए लगातार यहाँ पर अब धीरे धीरे लोग पहुँच रहे हैं, क्यों अभिषेक भाई जिस तरीके से गए, अभी आपने माता जी ने बताया ही साफ है कि ये पहले आ चुकी हैं, तो जिनको पता है वो एक दूसरे को बताते हैं, इसी तरीके से यहाँ लोग आते हैं। यहाँ ना आ पाने का बस एक ही समस्या है, वो है साधन की उपलब्धता। यहाँ अगर टैक्सी अच्छे से चल जाए, जैसे बसें इलेक्ट्रॉनिक लगाई गई चलाई जा रही हैं, तो गुप्तार घाट को भी अगर वो जोड़ेंगी तो लोग यहाँ आसानी से आ सकते हैं। नक्काशी बनी हुई है, मैं अपने दर्शकों को दिखाना चाहता हूँ, जैसे नक्काशी बहुत ये बहुत ऐतिहासिक नज़र आ रही है। ये सब कमल के पुष्प हैं। देखिए, हिंदू के जितने भी आपको मंदिर मिलेंगे वहाँ पे आपको कमल के पुष्प की ही नक्काशियाँ मिलेंगी। अच्छा, यही पहचान होती है कि हिंदुओं का मंदिर है। हाँ, तो इस मंदिर की मान्यता थोड़ा बताइए। इस मंदिर की मान्यता यही है कि जब गुप्तार घाट में राम जी अब त्रेता युग से अपने जाने लग गए तो वो इसी स्थान से गए, तो इसी मान्यता के अनुसार राजा दर्शन सिंह ने यहाँ पर मंदिर का निर्माण कराया। और ये मान्यता गर्भगृह के दर्शन वगैरह। हाँ, आइए गर्भगृह के दर्शन। चलिए, हम आपको आगे भी दर्शन करवाते हैं। तो साथ में शिवानी है, शिवानी कुछ मन में सवाल आ रहे हैं? मेरे मन में सवाल आ रहे हैं, जैसे कि अभी सर ने बताया कि यहाँ पे राजा दर्शन सिंह थे, उन्होंने जो हर जगह 5-5 शिवलिंग बनवाए हैं, तो ऐसे कितने जो मंदिर हैं उन्होंने बनवाए? तो देखिए, और यहाँ पर बहुत सारे भक्त भी हमें मिले हैं, तो आप दर्शन के लिए आए हैं? जी जी। तो यहाँ के बारे में कैसे पता चला, क्योंकि लोग तो अमूमन जो हैं वो राम मंदिर की ओर ही? पूरे देश में विदेशों तक चर्चा है। जी, 22 जनवरी को हनुमानगढ़ी रामलला जी का उद्घाटन है, दर्शन पूजन है। कोने कोने से गरीब, किसान, व्यापारी, ठेकेदार, नेता, हर समाज के लोग राम मंदिर उद्घाटन पे आने का प्रयास कर रहे हैं। जितने जितने लोग आप आएंगे राम मंदिर के उद्घाटन में आएंगे, यहाँ देखेंगे कैसी व्यवस्था है, कहाँ हनुमान जी रहते थे। इस जगह के बारे में कैसे पता चला? इस जगह के बारे में बहुत चर्चा है, टीवी चैनल, फेसबुक, यूट्यूब, हर जगह पे
खाली जय श्री राम का नाम मामला चल रहा है हर जगह कोने कोने पर। कोई भी आदमी, हर आदमी के पास मोबाइल है। अगर घर में 10 लोग हैं तो 10 लोग के पास मोबाइल है। अगर कोई भी आदमी मोबाइल में सो के उठता है पहले मोबाइल देखता है, जैसे मोबाइल खोलता है जय श्री राम, रामलला आए, यही चलता है, ये पूरे देश में चल रहा है, कोई नई बात नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो देखिए यहाँ पर लोग अब आना शुरू हो चुके हैं अभिषेक भाई, जैसे हम बातचीत कर रहे थे, क्यों? क्योंकि पहले, क्योंकि मैं जब आ रहा था तो जिस तरीके की मुझे वहाँ भीड़ नज़र आई, तो यहाँ पर वो उस तरीके की भीड़ नहीं थी, लेकिन अब देख रहे हैं कि लोगों को लगभग आना शुरू हो गया है यहाँ पर। जैसे मैम का भी सवाल था कि शिव मंदिर कितने हैं, है ना, जैसे आप राम की पैड़ी जाते हैं ना मेन वहाँ पर, तो स्वर्ग द्वार क्षेत्र है, तो वहाँ पर आप जितने भी मंदिरों को देखेंगे सामने आपको शिवलिंग जरूर दिखेंगे। अभी हम आपको जब चलेंगे दिखाते हैं तो देखिए आपको शिवलिंग जरूर मिलेंगे। अच्छा, लेकिन नक्काशी ये इसमें थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि बहुत यूनिक सा नज़र आ रहा है और जगह से। हाँ बिल्कुल, आपको पूरी अयोध्या में 3-4 मंदिर ही ऐसे मिलेंगे जो इस तरीके की नक्काशी आपको कवर करते हैं। हाँ, हाँ, जैसे आप गुप्तार घाट है, हनुमानगढ़ी आप जाएंगे, एक तिवारी मंदिर है, अच्छा, जिस समय के वर्तमान महापौर हैं उनके मंदिर में आप जाएंगे देखेंगे, चूँकि वशिष्ठ परम्परा का है, मान्यता के अनुसार ये भी कहा जाता है कि ऋषि वशिष्ठ ही गुरु थे श्री राम के, तो अगर कोई भी आयोजन होता है तो सबसे पहला आमंत्रण उन्हीं को जाता है, उनके यहाँ आप चलेंगे तो देखेंगे आपको इसी तरीके से पूरी नक्काशियाँ मिलेंगी। तो देखिए भगवान श्री राम का एक और मंदिर जो गुप्तार घाट में है, उसका गर्भगृह हम आपको दिखा रहे हैं। पंडित जी हैं अंदर, वो पूजा अर्चना यहाँ पर कर रहे हैं। तो ये बहुत ही ऐतिहासिक मंदिर है जो आम लोगों की पहुँच से थोड़ा दूर है, अभी फिलहाल दूर है, लेकिन बहुत जल्दी जब साधन की सुलभता साधन हो जाएगी, बिल्कुल तो आने लग जाएगी। लेकिन लोगों को पता भी है, लेकिन साधन की वजह से काफी लोग यहाँ पर आने से कतराते हैं। देखिए जैसे स्कंद पुराण में श्लोक लिखा हुआ है कि गो प्रतारा समा तीर्थ न भूतो न भविष्यति यत प्रयागा यजतपि स्नायुमति कार्तिके। जैसे मैंने आपको बताया भी था कि प्रयागराज तीर्थ यहाँ आते हैं, स्नान करते हैं वर्ष में एक बार और यहाँ से जाते हैं, इसीलिए सरयू नदी का महात्म्य ज्यादा है, और गुप्तार घाट के समान न कोई तीर्थ हुआ है न होगा, जैसे भूतो न भविष्यति, ना इसके जैसा तीर्थ कभी हुआ है और ना कभी होगा, ये स्कंद पुराण में लिखा हुआ है। तो देखिए तमाम जानकारियां और एक गुप्तार घाट का ये प्रभु श्री राम का मंदिर हमें ये याद दिला रहा है कि प्रभु श्री राम का जो स्वरूप है सिर्फ अयोध्या नहीं, जिस राम मंदिर के आसपास ही नहीं बल्कि पूरी अयोध्या में फैला हुआ, हालांकि पूरे भारतवर्ष में फैला हुआ है, लेकिन अयोध्या में खास तौर पर भगवान श्री राम के इतने मंदिर हैं और इतने उनकी जगह जगह प्रतिमाएं रखी गई हैं, उनके जो पदचिन्ह हैं वो ये बता रहे हैं कि प्रभु श्री राम पूरी अयोध्या में कण कण में बसे हुए हैं। देखते रहिए india.com, और फिर हम एक नई जगह आपको ले चल रहे हैं जो आपने अभी तक देखी नहीं होगी या आप वहाँ तक पहुँच नहीं पाए होंगे। india.com के साथ जुड़े रहिए।